चुके बॉलीवुड एक्टर करण सिंह ग्रोवर हाल ही में बेहद ज़्यादा चर्चाओं में एक बार फिर से आ गए हैं, क्योंकि भाई अब उन वो छोटे पर्दे पर कसौटी के सेकंड पार्ट से, जी हाँ कसौटी जिंदगी के से, जहाँ नज़र आने वाले हैं अब मिस्टर बजाज के रूप में, तो भाई इन दिनों बेहद ज़्यादा चर्चाओं में ही आ गए हैं। सबसे पहले ये चर्चाओं में आए थे अपनी फीस को लेकर, अब चर्चाओं में हैं अपनी लाइफ को लेकर। नमस्कार, मैं हूँ जाधव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। हाल ही में करण सिंह ग्रोवर को लेकर इस तरह की खबर आई कि भाई 75 लाख रुपए की मोटी रकम इस शो से, यानी कि कसौटी में मिस्टर बजाज की भूमिका निभाने के वो लेने वाले हैं। इसके अलावा बड़ी बात ये भी रही है कि भाई अगर इस हिसाब से माना जाए जो 75 लाख रुपए ये महीना लेने वाले हैं, तो लगभग 2.5 लाख रुपए पर एपिसोड इनकी जो है रकम होती है। इस तरह की अपडेट्स जहाँ आई हैं कि भाई 2.5 लाख के अराउंड इनको पैसे मिलने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इनकी शादियां भी आज मैं आपको बताऊंगा, जी हाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 शादियां इन्होंने की हैं। जी हाँ, हालांकि तीसरी शादी उनकी विपाशा बासु से हुई है, लेकिन इससे पहले 2 शादियां उनकी टूट चुकी हैं। जानेंगे आप सभी कि आखिरकार क्या है इनकी इस शादी के पीछे का राज। तो वहीं इतना ही नहीं, जिस तरीके से हाल ही में करण सिंह ग्रोवर मिस्टर बजाज के रूप में उनका फर्स्ट लुक सामने आया था, ये लुक देखते ही वायरल होने लग गया था। तो आइए अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको रूबरू कराते हैं करण सिंह ग्रोवर के बारे में, और साथ ही रूबरू कराते हैं कि किस तरीके से मिस्टर बजाज के रूप में वो नजर आएंगे। एक्टर करण सिंह ग्रोवर एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। वो टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की 2 में मिस्टर बजाज का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। करण सिंह ग्रोवर लंबे समय बाद छोटे पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। वहीं पति की टीवी में वापसी को लेकर उनकी पत्नी बिपाशा बासु भी बेहद ज्यादा खुश हैं। करण की लंबे समय बाद वापसी पर आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें बताने वाले हैं जो कि बेहद ज्यादा वायरल रही हैं। जी हाँ, बता दें हम सभी को कि करण की बिपाशा से तीसरी शादी है, इससे पहले वो 2 शादी कर चुके थे। करण की पहली शादी एक्ट्रेस श्रद्धा निगम से हुई थी, और तो और 1 साल में ही ये शादी टूट गई। और फिर करण ने टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट से शादी कर ली। जेनिफर के साथ भी करण का रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका, और जेनिफर से तलाक लेने के बाद करण ने बिपाशा से शादी कर ली। बता दें हम सभी को कि करण की पहली शादी साल 2008 में टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा निगम से हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अगर मानी जाए तो शादी बाद श्रद्धा करण के दूसरों के साथ व्यवहार को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहने लग गई थी। और तो और बड़ी बात यह भी है कि इस बारे में श्रद्धा ने कई बार करण को समझाया भी। करण के अफेयर की खबरें झलक दिखलाजा की कोरियोग्राफर निकोल के साथ सुनने को मिलती रही। इसके अलावा जिसके चलते 1 साल में ही श्रद्धा ने करण से डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया और उनसे अलग हो गई। आपको बता दें कि कुछ समय बाद करण सिंह ग्रोवर का नाम टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट के साथ सुनने को मिला। श्रद्धा निगम से तलाक के बाद जेनिफर और करण सिंह ग्रोवर ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया। उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। और तो और साल 2012 में करण ने जेनिफर से शादी कर ली, लेकिन बड़ी बात ये रही कि जेनिफर से शादी करने के बाद करण का व्यवहार वैसा ही था जैसा कि अपनी पहली पत्नी श्रद्धा निगम से शादी के बाद था। इसके बाद करण सिंह ग्रोवर की अगर बात की जाए तो वहीं शादी के कुछ महीने बीत जाने के बाद करण और जेनिफर के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी। खबरों की मानी जाए तो जेनिफर को करण सिंह ग्रोवर की लॉयल्टी पर शक होने लगा, और देखते ही देखते दोनों के रिश्ते खराब होने की खबरें हर दिन सुनने को मिली। वहीं कुछ समय के बाद ही करण को फिल्मों में काम मिलने लगा। उनकी पहली फिल्म अलोन थी। इस फिल्म में करण ने बिपाशा के साथ काम किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान करण बिपाशा के प्यार में पड़ गए। जी हाँ, करण बिपाशा से प्यार कर बैठे। आखिरकार साल 2016 में जेनिफर ने करण को तलाक दे दिया और अपने से 4 साल बड़ी बिपाशा बासु के साथ शादी कर ली। उनके साथ शादी के बंधन में बंध गए। और अब बड़ी बात यह है कि मिस्टर बजाज के रूप में कसौटी में वो नजर आने वाले हैं। जी हाँ, उनके किरदार को लेकर तमाम तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। खबरें इस तरह की भी वायरल हो रही हैं कि काफी ज्यादा मेहनत करण सिंह ग्रोवर द्वारा की जाएगी इस रोल को लेकर, क्योंकि लंबे लंबे स्केड्यूल्स होते हैं टीवी पर, इसीलिए उनको अच्छी खासी रकम भी दी जा रही है और काफी ज्यादा मोटी रकम उनको मिल रही है।
खैर ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।